दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएससी यूडी एग्जाम 2022 के बारे में। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपका एग्जाम चलने वाला है एसएससी जीडी का। दोस्तों एक दिन में 4-4 शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 45,000 की पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर टोटल, इसका एग्जाम हो रहा है जिसमें आवेदन आए हैं 54 लाख आवेदन आए हैं। दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी का ख़त्म हो रहा है तो आपका एसएससी जीडी आंसर की कब तक आ जाएगा और कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल कब तक हो जाएगा। दोस्तों इन सब पे हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे। दोस्तों बता दें कि जैसा कि एसएससी जीडी के जो कि आंसर के बारे में बात कर लें तो आपका 22 फरवरी के आसपास आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। दोस्तों एसएससी जीडी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पे आप वहाँ पे जाएंगे, आपको आंसर की 22 फरवरी तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों कट ऑफ की मैंने बता दिया था, जो मैंने पिछली बार कट ऑफ बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर आप 55 तक मतलब आप क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जुड़ने हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट की बात कर लें तो दोस्तों देखिए जैसा कि आंसर की आएगी, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्शन उस पर होगा, आंसर में कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उसके बाद आपका रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। उसके बाद जब रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा तो आप मान के चल सकते हैं 15-20 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा वह जारी हो जाएगा। दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका आंसर की आएगा 22 फरवरी तक आपका आंसर किया जाता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन करने का भी लिंक खुला रहता है, आपको कोई डाउट होता तो आप जाके डायरेक्टली वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर एक रिवाइज्ड आंसर की आती है जो कि उसको सुधार किया जाता है, जो फाइनल आंसर की होती है। उसके बाद जब वो मान के चल सकते हैं कि मार्च आपको कुछ दिन बाद मार्च में आपका जो रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप मान के चल सकते हैं कि रिजल्ट आपका वहाँ से 15-20 दिन का समय लग सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। दोस्तों और आप जो फिजिकल की बात हो गई, यहाँ पे फिजिकल कब तक होगा, तो जैसा कि रिजल्ट आ जाएगा 10 अप्रैल के आसपास अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट से ही आपका फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अप्रैल में ही आपका फिजिकल चलने वाला है, उसके बाद जैसे फिजिकल कम्प्लीट होगा फिर आपका मेडिकल के कॉल की जाएगी। दोस्तों ठीक है, ये सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए। जैसा कि एसएससी जीडी एग्जाम 2022 अभी तक एग्जाम चल ही रहा है दोस्तों, एसएससी जीडी का आंसर के 22 फरवरी को आ रहा है, कट ऑफ ने बता दिया 55 तक अगर आप करके आए हैं 50-55 तक तो आप बिल्कुल सेफ जुड़ने हैं। दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट ने बता दिया है कि 10 अप्रैल के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और आपका अप्रैल के लास्ट वीक में जो है कि फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। दोस्तों ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जय हिंद।